तो अंगूठा छू देता हूँ। नहीं, वो सब हम लोग चले जाएंगे। हमारे पास दो गाड़ियां हैं, ड्राइवर आप लोगों को घर छोड़ देगा, हम लोग दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं। जब तक आप लोग घर नहीं पहुंचते आल भी भरे थे। अर्जुन, पूर्णिमा ने आज से ऑफिस ज्वाइन कर ली। ओके। आई गेस जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो हम सबको अब भुला देना चाहिए। पूर्णिमा तुमसे एक बार मिलना चाहती। मिलने का फायदा क्या होगा? मुझसे मिलके करेगी थी। वो मुझे मिले या ना मिले, she's already a part of the office, है ना? I know that. लेकिन वो एक चांस तो डिजर्व करती है ना। और वैसे भी अर्जुन, वो मेरी कजिन है, तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। पूर्णिमा, सब मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज भी है। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई और मेरी गलतियों की वजह से आपने बहुत गुस्सा है, पर मेरा यकीन मानिए, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। इस जॉब के जाने के बाद मैं कई महीनों तक घर पे बैठी, बट सब मैं अब आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm really sorry and thank you for this job. You know what, Miss Poonama? आप इस ऑफिस में सिर्फ दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन ये कि आपको ऑफिस वापस बुलाने का डिसीजन वो भी करे। मेरा। और अगर आप इस ऑफिस में होंगी तो वो भी थोड़ी सी मदद कर सके। और दूसरा रीजन ये है कि आप ओवी की बहन, just because you're family. Thank you, sir. मैं आपको disappoint नहीं करूँगा। You better not. Sorry, sir. वो tender हमारे हाथ से निकल गया। What? देखो, how is this possible? हमारी सारी की सारी रिसर्च, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, क्यों हुआ ये? हमें पूरा यकीन था वो टेंडर हमारी कंपनी को ही मिलेगा, लेकिन तुम लोगों से एक टेंडर नहीं संभाला जाता। यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती, मार्केट रिसर्च क्या, स्टडीज क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्लाइंट को पिच कैसे करते, तुम्हें यू हैव नो आइडिया। अगर पूरी होती तो हमारे हाथ से टेंडर कभी नहीं जाता, यू नो दैट। मिस्टर शेखर, यहां पर दो महीने हो चुके, मुझे पूर्वी का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं मिला और आप लोगों के भरोसे मेरी कंपनी चलेगी? दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। Take this away. Read. समझो क्या गलतियां हुई हमसे। Just take it. Go. Just. Tender मिला किसे? Who got the tender? Service Industries को. Good, Purvi. You have done a fantastic job. Thanks. आज हमारी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो सिर्फ तुम्हारे कारण है। तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारी स्मार्टनेस और तुम्हारे हार्ड वर्क के कारण। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना काम एफिशिएंटली किया है और बिना टीम वर्क के ये मुमकिन नहीं था। अगर टीम ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमें नहीं मिलता। यू नो पूर्वी, मिस्टर अग्रवाल बहुत ही कीन थे तुम्हें इस जॉब पे रखने के लिए। आई थिंक वी हैव मेड अ गुड डिसीजन ऑफ हायरिंग यू। आई होप तुम भी यहाँ काम करना एंजॉय करोगी। यस सर। थैंक यू सर। कांग्रेट्स मैम।
कॉन्ग्रेचुलेशन. कॉन्ग्रेट्स मैम. कॉन्ग्रेट्स मैम, एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब. कंपनी में आपका पहला दिन और पहले दिन आपने कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट करवा दिया, क्या जादू कर दिया आपने? अरे जादू वादू कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ मार्केट प्राइस स्टडी करी, हमारे पुराने कॉम्पिटिटर्स के रिकॉर्ड्स चेक किए और टेंडर फिल कर दिया, बस. गुड जॉब मैम, आप अपना काम बहुत अच्छे से जानती. थैंक यू. Chanchani Contractors, हमारे सबसे नए क्लाइंट. This is wow, amazing job. Really? Yes, really. हम इस कंपनी को 3 महीने से भी नहीं जानते and you bagged the deal. You know what? I am really proud of you. Superb job. Thank you. ठीक है तो फिर final. आज से OVT companies के सारे tenders मैं ही fill करूँगी, हाँ? Done. सारे के सारे tenders तुम fill करोगी. ऐसे भी हमारी शादी के बाद तुम्हारी और मेरी शादी के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी. मतलब ये कि हमारी शादी होने के बाद तुम मेरी बीवी बन जाओगी. उसके बाद यू नॉट गोइंग टू बी जस्ट एन एम्प्लॉय, तुम हो जाओगी द डायरेक्टर ऑफ OVT ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री. सारे सारे डिसीजन तुम्हारे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी योर्स इंक्लूडिंग द बॉस. अर्जुन वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने हैं, तो तब तक के लिए शादी वाला सीन साइड में रखें और थोड़ा काम पे ध्यान दें. Congratulations, ma'am. Thank you. अर्चना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेजू इस तरह से रिएक्ट करे, और तो और अब वो भी उसका साथ दे रही है. हाँ मैम, लेकिन मानव अगर तेजू को देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है, मानव ऐसी कोई भी रिएक्ट करता, हर चीज के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मानव. लेकिन आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ साथ तेजू भी समझ जाएंगे. और सोहम, उसे कैसे समझाएंगे जब उसे पता चलेगा कि उसके असली माँ बाप हम हैं, तो कैसे रिएक्ट करेगा वो? तुमने देखा नहीं, एडमिशन पेपर्स पर पिता की जगह पर मेरा नाम देखकर कितना गुस्सा हो गया वो. अर्चना, वो तो वर्षा और बालन को ही अपने असली माँ बाप समझता है. जब उसे होश आएगा और उनके बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे उसे? मुझे भी इसी बात का डर है माना, कि हम क्या कहेंगे उसे. बस उसे एक बार होश आ जाए माना, फिर देखते हैं क्या करना है. सर, ये इंजेक्शंस ले आइए. ये अभी चाहिए? यस. हेलो. हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ. हाँ ही बोलिए. मानव को फोन नहीं कर सकती ना, इसलिए तुझे फोन किया. बेटा बता ना, सोहम कैसा है? अभी बेहोश है. अभी तक बेहोशी के हाल में है, कब होश आएगा उसको? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? आई थोड़ा वक्त लगेगा, अभी नींद की दवाई दी है तो उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा. मानो कैसा है? आई अभी ठीक है, बस उन्हें यही लग रहा है कि गोली उनकी वजह से लगी. वो अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी शांत है. बस सोहम को एक बार होश आ जाए फिर उसका ख्याल रखना बेटा. हाँ. अच्छा, तूने खाना खाया क्या? नहीं, नहीं खाया है. अरे क्यों ऐसा करती है? दोनों में से कोई तो एक एक बाहर जाके खाना खा सकता था ना. सिर्फ दूसरों का ख्याल करती रहेगी क्या? खाना खा ले बेटा. सुन, मैं घर से खाना लेके आती हूँ. नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए आई, यह हॉस्पिटल में कैंटीन है, मैं वहां से खा लूंगी. खाना खा लेना और अपना भी ख्याल रखना बेटा, और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे सोहम के बारे में बताते रहना. जी, रखती हूँ.
बाप रे, चोट कैसे लग गई? साइकिल से गिर गया। साइकिल से गिर गया? कैसे साइकिल से गिर गया? माना, मैंने आपसे कितनी बार कहा, जब भी सोहम साइकिल चलाता है उसके साथ रहा कीजिए, मेरे बच्चे को चोट लग गई। अर्चना, मैं तो इसके साथ ही था, अचानक मुझे कॉल आ गया। अब जब तक मैं कॉल खत्म करता, आपके लाडले निकल लिए आगे, और आगे तो चला गया, गिर गया। अब मैं जब तक उसके पास पहुंचू, इसे उठाया, फिर ले आया मैं। माना, आपको मजाक लग रहा है? मैं सच्ची कह रही हूँ आपसे, आप भी ना, हमेशा क्या मजाक। अरे सोम बेटा, कहो अपनी आई से कि ऐसी छोटी छोटी चोटें ही मुझे आगे चल के स्ट्रांग बनाएंगी, और फिर हमारा सोम बेटा अपनी आई की ताकत बनेगा, रक्षा करेगा, अपने आई के सारे सपने पूरा करेगा। अभी ये सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। और साथ में गाड़ी में भी घुमाए। माना, इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं देनी मुझे। अभी तो मेरा सोम छोटा है, वो बहुत सारा खेलेगा, है ना सोम? बचपन में सोहम को कहीं चोट लग जाती थी तो वो हमारे पास आकर रोया करता था। आज उसे इतनी बड़ी चोट लगी, इतना गहरा जख्म है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आके नहीं रोया। हमसे इतनी नफरत करने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माना, तो मुझे भी यही लग रहा है कि जब वो उठेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कि हम उसके माँ बाप, कुछ ठीक हो जाएगा ना? कुछ हो जाएगा ना माना? पूर्वी बोल, क्या हुआ? नहीं आई, वो आई, वो नींद नहीं आ रही थी। सोहम की चिंता हो रही है? हाँ आई, आज पूरा दिन ऑफिस में भी मन नहीं लगा। आई, अब कैसे हैं सोहम दादा? पूरा एक दिन हो गया है पूर्वी, अभी तक सोहम होश में ही नहीं है। आई तू चिंता मत कर, डॉक्टर ने दादा को सिरेटिव सिर्फ इसलिए दी है ताकि उनका जख्म जल्दी भर जाए और उन्हें ज्यादा दर्द भी ना हो। चलाई में रखती हूँ। मैंने सिर्फ सिर्फ सोहम दादा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए ही फोन किया था। और आई, अगर अगर उनकी हालत में कुछ भी सुधार हो ना, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ ठीक। अच्छा सुन, आई कैसी है आज? जी बिल्कुल ठीक है, अभी अभी आंख लगी है उसकी। और तेरा ऑफिस वो कैसा रहा? पहला दिन था ना तेरा? अच्छा था आई, और पता है बहुत सारे बाकी सब लोगों को मेरा काम भी बहुत अच्छा लगा। खुश कैसे नहीं होगे, तू है इतनी मेहनती लड़की, है ना? हाँ आई, चल चल आई, मैं अभी रखती हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। डॉक्टर आए थे क्या? नहीं। और वो वार्ड बॉय, वो अंदर ही है? वो अभी हाल बाहर गया है। बाहर गया? जी।
ख्याल रखूंगा कि बात करते वक्त उनको कोई स्ट्रेस ना आए। शायद इन होश आ रहा है। आप लोग प्लीज। थैंक यू। सो कैसे हो? मैं अब भी हैरान हूं कि तुम इतने आसानी से हमारे हाथ कैसे लग गए। खैर, जिस दिन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम फिट हो, उस दिन सीधे जेल जाओगे तुम। जेल पर रिहा होने के बाद भी तुम्हारे जुर्म तो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेडी को मारने की कोशिश, फिर रिवॉल्वर से हवलदार को धमकी देने की कोशिश, तुम्हारी लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वो तुम्हारे बाबा या तुम्हारा वकील, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वकील पे याद आया, तुम्हारे वकील का काम अभी दुगना हो गया। नहीं, पहले तो सिर्फ तुम्हारा केस लड़ रहा था, अब तो तुम्हारे माई बाबा का भी केस लड़ेगा। नहीं, हमारे माई बाबा का केस का? वो हमारे हिरासत में है। वो कहाँ पकड़े हो? ये तेरे को हमको बता, कहाँ तेरे को, वो कहाँ पकड़े हो? हेलो, हमको बता ना। क्या? ऐसे मोबाइल इसको मिला हुआ है। हाँ, क्या? हमको बता बेटा। आ रहा हूँ। तब कौन जुड़े तेरे? चला, तुम्हारे भाई बाबा का पहले सेवा करो। अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, शांत हो जाओ। हमरे माई बाबा को दरोगा धर लिया है, तभी हम सोचे कि वो लोग यहाँ का है। नहीं है ये सब वो मानव देशमुख का किया धरा है, सुरा फंसाया हमरे माई बाबा को। हमरे यहाँ अस्पताल में बेहोश रहने का फायदा उठाकर हमरे खिलाफ चाल चली है ससुरे ने, लेकिन हम उनकी ये चाल कामयाब होने नहीं देंगे। देख देशमुख का कर। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? लेट जाइए वापस। आप, आपको डॉक्टर साहब ने आराम करने के लिए कहा है, आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते बिल्कुल भी। मैंने कई बार बाहर से चेक किया, अंदर ही सो रहा था वो। पता नहीं कब उसकी नींद खुली और कब वो भाग गया, लेकिन इस गेट से बाहर नहीं गया वो। ऐसे कैसे बाहर नहीं गया? अंदर नहीं है वो, कहाँ गया वो? सब क्या है कॉम? इतना बड़ा हॉस्पिटल है और आपकी सिक्योरिटी इतनी लापरवाह? आप मुझे बताइए, एक पेशेंट भाग जाता है आपको पता भी नहीं चलता? मिस्टर देशमुख, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। जितने परेशान आप हैं उतने हम सब भी हैं। आपके बेटे ने हमारे वार्ड बॉय को इंजर्ड किया है और इस वक्त वो बेहोश है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता, हम कुछ नहीं कह सकते आपसे कि वो कब, कहां और कैसे चला गया। I'm so sorry। मारे बाबू क्या करेंगे? हम सबको कहां ढूंढेंगे?